यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गृहवान में जाके, इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। देश चलाने के लिए, रेलवे की अर्थव्यवस्था, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। लोकसभा में सांसदों की टोकटो की और हंगामे से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना धीरज खो बैठे और गुस्से में आ गए। रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम के पूरे देश में लागू किए जाने के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यही कांग्रेस के लोग रेल मंत्री ममता बनर्जी के रेल दुर्घटनाओं में मामूली कमी की सूचना दिए जाने पर ताली बजाते थे। आज ये लोग महज 3 रेल दुर्घटनाओं को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस के लोग अपने 58 साल के राज में रेल दुर्घटना रोकने के लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं लगवा सके? क्या ये लोग रोजाना यात्रा करने वाले 2 करोड़ पैसेंजरों के मन में डर बिठाना चाहते हैं? आइए जानते हैं कि आखिर संसद में क्या हुआ। जीवन अमूल्य होता है, जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं आपको, चूंकि मैं ये नंबर नहीं रखना चाहता था, लेकिन चूंकि माननीय सांसद पूछ रहे हैं, इसलिए मैं नंबर रखना चाहूंगा, लेकिन इसमें बहुत ही संवेदना के साथ इस विषय को रखना चाहिए। विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूं। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171। वो करीब 68% कम हुए हैं। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं? अपने कार्यकाल को देखे, अपने गृहवान में जाके, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए, रेलवे की अर्थव्यवस्था, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा? मान कर देखिए, 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी।
अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं।